बॉलीवुड एक्ट्रेस विपाशा बासु बेटी देवी के साथ एंजॉय करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। साथ ही वो सोशल मीडिया पर फैंस के साथ कुछ झलकियां भी शेयर करती रहती हैं और उनका क्रेज बरकरार रखती हैं। मालदीव में छुट्टियां मनाकर उनका परिवार वापस आ गया है। विपाशा ने एक अट्रैक्टिव वीडियो शेयर किया जो फैंस को उनका अपनी प्यारी बेटी के साथ सोने के समय का शेड्यूल बताता है। हाल ही में एक्ट्रेस विपाशा बासु ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में हमें छोटी देवी की प्यारी सी झलक देखने को मिलती है। वो सोने के समय कहानियों की किताबों में कलेक्शन को देखकर सोती है। कलेक्शन में रॉयर, रॉयर बेबी, डियर जू, हेलो विश्व और इफ एनिमल किड्स गुड नाइट जैसी किताबें शामिल है। माँ विपाशा स्टोरीज का एक कलेक्शन शेयर करती हैं और अपने बच्चे के साथ खेलने लगती है। रेस एक्ट्रेस ने पोस्ट को कैप्शन दिया, मेरी छोटी किताबी कीड़ा के साथ सोने के समय की कहानियाँ। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने इसे एक फैमिली मोमेंट बताया है और एक्ट्रेस ने हर बार की तरह अपने इस पोस्ट में भी करण सिंह ग्रोवर को टैग किया है। विपाशा एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। बॉलीवुड में अपने मनमोहक एक्टिंग के लिए जाने जाती हैं। 7 जनवरी 1979 को दिल्ली में जन्मी विपाशा को राज, रास, जिस्म और धूम 2 जैसी फिल्मों में अपने रोल के लिए जाना जाता है। अपनी अद्भुत सुंदरता और बेहतरीन एक्टिंग के साथ विपाशा ने इंडस्ट्री में एक अलग जगह बनाई है। सिल्वर स्क्रीन के अलावा उनकी फिटनेस की भी तारीफ की जाती है। उनका सबसे हालिया ऑन स्क्रीन प्रोजेक्ट 2020 में मिनी सीरीज डेंजरस था। एक्टिंग की दुनिया में उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके फैंस। एक इंटरव्यू में एक सवाल किया गया था उनसे, जवाब में विपाशा ने कहा था कि वो जल्द ही स्क्रीन पे वापसी करेंगी। अभी फिलहाल वो अपनी कमिटमेंट्स और फैमिली लाइफ के बीच संतुलन बनाने में बिजी चल रही हैं।